हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस में जो सेकंड एक्टिविटी है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट था जिसमें वाइल्ड पैट एंड सी एनिमल्स के नेम थी, वो क्या हम वो हमने क्लियर कर लिया है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज हम क्या करेंगे, उसका जो सेकंड पार्ट है, जो एक्टिविटी हमने की थी उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है हमारी ईवीएस की बुक में। सेकंड पार्ट में भी क्या है, पैट एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं और कुछ सी एनिमल्स हैं। राइट, फर्स्ट पार्ट में क्या था, उसमें भी सी, वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स थे। उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी क्या है, सी, वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स के नेम हमें लिखने हैं। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे चेंज किया है, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें नेम खुद ही लिखना था, उसमें कोई स्टार्टिंग वर्ड नहीं दिया हुआ था। हमें पिक्चर को पहचानना था, ये कौन सी पिक्चर है, ये कौन सा एनिमल है, वाइल्ड है, सी है या पेट एनिमल है, और इसका नाम क्या है, उसका नाम स्टार्ट कौन से वर्ड से होता है, तो ये सब हमें खुद ही करना था। सेकेंड पार्ट में क्या चेंज है, सेकेंड पार्ट में हमें वाइल्ड की सॉरी एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, इन पिक्चर को मैं पहचानना है और उसके जो स्टार्टिंग वर्ड है वो हमें यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं उनसे ही इनकी स्पेलिंग्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी जो स्पेलिंग्स है उसको कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग वर्ड दिया हुआ है उसकी जो आगे की स्पेलिंग्स है वो क्या करनी है, हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट, इसमें क्या करना है हमें देखते हैं। जैसे पहला एनिमल है डॉग, डॉग का क्या यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो इसकी आगे की स्पेलिंग क्या होगी वो हमें लिखनी है। सेकेंड एनिमल है काऊ, ऑक्टोपस, वुल्फ, शीप, शील, डोंकी, गोट, ईल, जिराफ, स्टारफिश एंड जेब्रा। ठीक है, तो ये है हमारे एनिमल्स, मिक्स्ड अप एनिमल्स। अब इनके नेम हमें लिखने हैं, तो देखिए डॉग का डी लिखा हुआ है, डोंकी का डी लिखा हुआ है, काऊ का सी लिखा हुआ है, गोट का जी लिखा हुआ है, ऑक्टोपस का ओ लिखा हुआ है, ईल का ई लिखा हुआ है, वुल्फ का डब्ल्यू, जिराफ का जी, शिप का एस, स्टारफिश का एस, शील का एस और जेब्रा का जेड। तो ये क्या है, इनके स्टार्टिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्पेलिंग्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप मुझे बताएं कि डॉग की स्पेलिंग क्या होती है और डॉग कैसा एनिमल है, वाइल्ड है, सी है या पेट एनिमल है, फटाफट बताओ। यस, डॉग क्या है, डॉग पेट एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, डी ओ जी। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डी लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ओ जी, तो क्या बन गया, डॉग। राइट, ओके, नेक्स्ट एनिमल है हमारा डोंकी, डोंकी कैसा एनिमल है, यस डोंकी भी क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। डोंकी की स्पेलिंग क्या होती है, डी ओ एन
KEY, तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ONKEY, ठीक है। और प्रॉपर बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको इन बॉक्सेस में लिखना है इनकी स्पेलिंग्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एनिमल है हमारा काऊ। काऊ की स्पेलिंग क्या होती है, COW, राइट। काऊ की स्पेलिंग यही होती है, COW। तो यहाँ पे सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, OW, क्या बन जाएगा, काऊ। काऊ कैसा एनिमल है, पेट एनिमल है। गोट, गोट की स्पेलिंग क्या होती है, GOAT, गोट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी लिखा हुआ है, OAT, गोट। और गोट भी कैसा एनिमल है, गोट भी पैट एनिमल है। ओके, नेक्स्ट एनिमल है हमारा सी एनिमल। सी एनिमल का नाम क्या है, ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस। तो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, COPUS, ऑक्टोपस। नेक्स्ट एनिमल है हमारा ईल। ईल भी सी एनिमल है, इसको इलेक्ट्रिकल फिश भी कहते हैं। तो ईल की स्पेलिंग क्या होगी, EEL, लेकिन यहाँ पे ई, एक सिंगल ई ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ ई और एल, क्या बनेगा, ईल। नेक्स्ट एनिमल है हमारा वुल्फ, WOLF, वुल्फ। वुल्फ कैसा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है। जिराफ कैसा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, GIRAFFE, जिराफ। नेक्स्ट है शिप, SHEEP, शिप। शिप कैसा एनिमल है, राइट, शिप है, डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट एनिमल है हमारा स्टारफिश, STARFISH, स्टारफिश। नेक्स्ट एनिमल है हमारा सील। सील भी कैसा है, सी एनिमल है। सील की स्पेलिंग क्या होगी, SEAL, बट यहाँ पे एस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ EAL, मिलके क्या बनेगा, सील। ओके, नेक्स्ट एनिमल है हमारा जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा, लेकिन यहाँ पे जेड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम उसके आगे की जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और स्पेलिंग क्या है, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है, जिस तरीके से आपको ये स्पेलिंग्स लिखी हुई दिख रही है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में, अच्छी हैंड राइटिंग में। तो इसी तरीके से ही आपको आपकी जो EVS की बुक है उसके अंदर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी ऑलरेडी लिखा हुआ, तो हमने क्या लिखा, OG, मिलके बना डॉग। सी ऑलरेडी लिखा हुआ, तो हमने क्या लिखा, सिर्फ OW, तो मिलके क्या बन गया, काऊ। ओ ऑक्टोपस का ओ ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो हमने क्या लिखा, COPUS, मिलके क्या बन गया, ऑक्टोपस। वुल्फ का W यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना था, सिर्फ OLF, मिलके क्या बन गया, वुल्फ। शिप का S ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो हमें क्या लिखना था, HEEP, मिलके क्या बन गया, शिप। सील का S ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इसमें क्या लिख, हमें क्या लिखना था, EAL, ठीक है। इसी तरीके से डोंकी, गॉट, ईल, जिराफ, स्टार फिश एंड जेब्रा में भी हमें ऐसे ही करना था। इसी तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड, सॉरी, एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे।